सो गाइस ये है एंटक X90। कैबिनेट के अंदर अपना पीसी बिल्ड भी किया हुआ है, तो आज के स्टूडियो में हम इसी कैबिनेट के बारे में बात करने वाले हैं और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा इस कैबिनेट के अंदर पीसी बिल्ड करने का। और गाइस अगर आपने इस कैबिनेट के दूसरे वीडियोस भी देखे ना, तो उसके अंदर इस कैबिनेट के अंदर SSD कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बताया नहीं गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे भी काफी कंफ्यूजिंग लगा था। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस कैबिनेट के अंदर SSD कैसे इंस्टॉल करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ये है एंटेक X90 गेमिंग कैबिनेट, और जहां तक इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात है ना, तो ये कैबिनेट पूरा ही मेटल से बना हुआ है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो भी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगी, और मुझे इस कैबिनेट के अंदर कहीं पे भी फ्लेक्सेस वगैरह भी नोटिस नहीं हुए। जहां तक बात है इस कैबिनेट के फ्रंट की, तो फ्रंट में हमें ये डायमंड शेप्ड मेस देखने को मिलती है विद डस्ट फिल्टर, जो कि हां गाइस इस कैबिनेट को एक बढ़िया से लुक तो देती है, और इससे कैबिनेट का जो एयर फ्लो है ना वो भी काफी बेटर हो जाता है, क्योंकि सामने हमें ये जो डायमंड शेप्ड वेंट्स मिलते हैं ना, यहां से एयर फ्लो काफी अच्छे से हो जाती है, और जितना अच्छा एयर फ्लो होगा ना उतनी बढ़िया कूलिंग होगी कैबिनेट के अंदर, और क्योंकि डस्ट फिल्टर भी लगा तो आपके कैबिनेट के अंदर भी ज्यादा डस्ट नहीं जाएगी। और इस कैबिनेट के एक साइड में हमें 4mm का टेम्पर ग्लास देखने को मिलता है, और दूसरी साइड पे हमें एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं फैंस के लिए, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी देखने को मिलता है। और जहां तक बात है इसके टॉप की, तो वहां पे भी हमें मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर देखने को मिलता है, और उसके साथ टॉप पे हमें पावर बटन, LED लाइट्स, रिस्टार्ट बटन, दो USB 2.0 पोर्ट, एक हेडफोन प्लस माइक पोर्ट, एक USB 3.0 पोर्ट, और इन द लास्ट हमें फैंस की ARGB लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए भी एक बटन मिल जाता है। और हमें इस कैबिनेट के अंदर ARGB हब भी देखने को मिलता है, जिसको आप अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करके सिंक भी कर सकते हो, और उसी के साथ हमें इस कैबिनेट के अंदर 4 120mm के ARGB फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही मिलते हैं, जो कि यार देखने में तो काफी सही लगते हैं। और गाइस हम इस कैबिनेट के अंदर टोटल 11 फैंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आप इस कैबिनेट के अंदर कौन कौन से मदरबोर्ड्स लगा सकते हैं, तो हम इस कैबिनेट के अंदर ATX, माइक्रो ATX और ITX मदरबोर्ड लगा सकते हैं, और उसके साथ 385mm तक का ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं। तो आप इस कैबिनेट के अंदर कोई भी GPU लगा सकते हो, भले वो 4070 हो, 4090 हो, कोई भी GPU आप इसके अंदर सारे लगा सकते हो। और हम इस कैबिनेट के फ्रंट और टॉप में 360mm तक का लिक्विड कूलर लगा सकते हैं, और इसके साइड में 240mm का और बैक में 120mm तक का भी लिक्विड कूलर लगा सकते हो आप। और गाइस मैंने अपने PC बिल्ड में यूज किया एंटेक वोर्टेक्स 240 ARGB लिक्विड कूलर, और ये 240mm का लिक्विड कूलर है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको साइड में इंस्टॉल किया हुआ है। आप भले टॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्रंट में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी बार इसको साइड में इंस्टॉल किया है, तो इनकी जो फिटिंग है ना वो काफी अच्छी होती है। मैंने इसको साइड में लगाया तब भी काफी अच्छे से फिट हो गया, और मैंने इस लिक्विड कूलर को टॉप पे भी लगा के देखा था, वहां पे भी काफी अच्छे से फिट हो गया था ये। और ये जो लिक्विड कूलर है ना वाकई में काफी अच्छे से काम करता है, इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्रोसेसर को काफी अच्छे से कूल लगता है ये लिक्विड कूलर। सिर्फ इस लिक्विड कूलर के जो पाइप्स है ना वो मुझे इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं लगे, तो इसको इंस्टॉल करते टाइम मुझे काफी एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी। और इस लिक्विड कूलर की मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप चेकअप कर सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक शो हो रही होगी। तो वापस अगर हम बात करें इस कैबिनेट की, तो आप इस कैबिनेट के अंदर दो 2.5 इंच के SSD और दो 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, या फिर 3 SSD और एक हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। और हमें इस कैबिनेट के अंदर हार्ड ड्राइव को लगाने के लिए एक अलग से कंपार्टमेंट भी दिया हुआ है, जिसके अंदर आप दो हार्ड ड्राइव या फिर एक SSD और एक हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। मैंने तो फिलहाल दोनों के अंदर ही हार्ड ड्राइव लगाई हुई है, और SSD के लिए हमें यहाँ पे ये दो स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन स्लॉट्स के अंदर हम SSD को इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो गाइस आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। तो हमें इस कैबिनेट के साथ ये एक बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें कुछ जिप टाइज और कुछ स्क्रूज वगैरह देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के साथ हमें ये रबर टिप्स देखने को मिलते हैं, जिनको आपको कुछ इस तरीके से इन चारों होल्स के अंदर लगा देना है। और उसके बाद हमें ये जो छोटे छोटे स्क्रूज मिलता है ना, इनको आपको SSD के अंदर लगा देना है, और उसके बाद SSD से ये जो स्क्रूज निकल रहे होंगे ना, आपको कुछ इस तरीके से इन होल्स के अंदर इसे इंस्टॉल कर देना है, एंड दैट्स इट। आपकी SSD इंस्टॉल हो चुकी है आपके कैबिनेट के अंदर, और आप इसको बड़ी आसानी से हटा भी सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं। और गाइस
इन्हीं SSD के स्लॉट्स के नीचे हमें ये पावर सप्लाई की जगह दी हुई है, जहाँ पे हम मैक्सिमम 220 mm की पावर सप्लाई लगा सकते हैं हार्ड ड्राइव को लगा के, या फिर 410 mm की पावर सप्लाई लगा सकते हैं हार्ड ड्राइव को हटा के। और फिलहाल मैंने यूज किए एनटेक के CSK 750W पावर सप्लाई, जो की एक सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई। तो इससे जो भी एक्स्ट्रा केबल्स होती है ना, जो की आपके यूज में नहीं आती, वो आप हटा सकते हो पावर सप्लाई में से। और जहाँ तक इसके फिटिंग की बात है ना गाइस, तो ये भी एनटेक का प्रोडक्ट है, तो एनटेक के कैबिनेट से काफी अच्छे से फिट हो भी जाता है। और जहाँ तक बात है इस पावर सप्लाई की, तो मेरा तो एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा है इस पावर सप्लाई के साथ। और हमें इस पावर सप्लाई के अंदर फ्लैट केबल्स देखने को मिलती है, जो कि गाइस हमें इस प्राइस रेंज में लगभग ना के बराबर ही देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने तो आज तक इस प्राइस रेंज में किसी भी PSU के अंदर फ्लैट केबल्स तो नहीं देखे। और गाइस फ्लैट केबल्स की काफी ज्यादा एडवांटेजेस होती है केबल मैनेजमेंट के अंदर, वहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प करती है फ्लैट केबल्स। और ये फ्लैट केबल्स आपके PC बिल्ड में काफी अच्छी भी लगती है। और मैंने इस पावर सप्लाई को लेकर एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, उसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस जहां तक बात है केबल मैनेजमेंट की, तो उसके लिए हमें इस कैबिनेट के अंदर 23 mm की जगह भी दी हुई है। और गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये लिक्विड कूलर भी लगाया है, नीचे दो दो हार्ड ड्राइव भी लगाई है, यहाँ पे SSD भी लगाई है, और यहाँ पे एक ARGB फैन कंट्रोलर भी लगाया है। और उसके साथ हमें यहाँ पे सभी फैंस की ARGB वायर्स भी देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे कनेक्टर रखी है, जो कि फ्रंट से भी आ रही है, बैक से भी आ रही है, और इस AIO से भी आ रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारी वायर्स हो चुकी है, फिर भी मैंने काफी अच्छे से यहाँ पे केबल मैनेजमेंट कर दी है। और इतनी सारी वायर्स होने के बाद भी मैं इस लिड को बढ़िया आराम से बंद भी कर सकता हूँ। तो गाइस केबल मैनेजमेंट तो काफी बढ़िया हो चुकी है इसके अंदर, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था इसकी केबल मैनेजमेंट को लेकर वो काफी सही रहा, मुझे ऐसे कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई केबल मैनेजमेंट पे। और इन द लास्ट अगर मैं इस कैबिनेट के प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो ये कैबिनेट हमें लगभग 5000 to 5500 के अराउंड देखने को मिल जाता है ऑनलाइन। और इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे ये कैबिनेट वाकई में काफी इंप्रेसिव लगा, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वाकई में मुझे काफी तगड़ी लगी। और इसके ये जो ARGB फैंस और इसके सामने ये जो डायमंड शेप वाला डिजाइन है, वाकई में इसको देखने में काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। और इस कैबिनेट का जो फ्लो है ना, वो भी मुझे काफी सही लगा, उससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने इसमें काफी भारी भारी सॉफ्टवेयर भी यूज किए, गेमिंग भी की, एडिटिंग भी सब कुछ किया, फिर भी मुझे अपने कैबिनेट में ऐसा कोई हीटिंग वगैरह इश्यूज नहीं फेस हुए। तो एयर फ्लो भी हमें काफी तगड़ा देखने को मिलता है इस कैबिनेट के अंदर। और गाइस अगर आप भी गेमिंग PC बनाने का सोच रहे हो, तो आप इस कैबिनेट को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगा ये। और उसके अलावा आप ये एनटेक का लिक्विड कूलर और PSU को भी चेकआउट कर सकते हैं, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप उन लिंक से कुछ खरीदते हो ना, तो चैनल को भी हेल्प हो जाएगी। और क्या फ्यूचर में और भी ऐसे PC प्रोडक्ट्स की वीडियोस देखना चाहते हो, या फिर एनटेक के किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो, या फिर किसी दूसरे PC ब्रांड का कोई प्रोडक्ट की वीडियो चाहते हो आप, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं जरूर से ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना सकूं। ऑल्सो गाइस मैं अपने पॉकेट में PC लेके घूमा, और जहां भी मेरा मन किया ना मैंने उसे यूज किया, लेकिन वो कैसे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और आज की वीडियो में इतना ही, आपको कैसा लगा ये एनटेक EX90 कैबिनेट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। एंड होप सो आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी, और अगर यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।